ये देखिए निशाना, तीन उंगलियों के निशान है उधर जाली पे भी। ये देखिए उस कमरे के अंदर अभी भी है वो। ये देख, ये क्या? ये किसी जानवर की कोई बकरी की आवाज थी, कुछ अजीब सी इस तरह थी। यार चलो भी एक चीज नोट करें आप। पहले मैं इस कमरे में गया, उस वक्त भी ऐसे दोबारा इस कमरे के करीब गए, फिर दोबारा ऐसे ही हुआ है। जो आवाज आ रही है वो थोड़ी अजीबोगरीब सी है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कोई चीज़ घूम रही है। थोड़ी देर के लिए लोकेशन से बाहर आए थे, उस जगह तो अजीब हुआ सर भी आपके साथ उस कमरे में। तो शहरी भाई क्या नहीं, तो जैसे मेरे देखने में जो मेरे साथ हुआ है वहाँ पर ही उसका बसेरा हो सकता है इस मखलूक का, क्योंकि आवाज़ें भी जो है ज़्यादातर वहाँ से आई हैं। और जब मुझे अंदर खींचा गया ऐसे हुआ मेरे साथ कि जब एकदम से आप ऐसे घूमे ना, तो आप जा रहे थे ऐसे, तो अंधेरा हुआ पीछे, मैं आपके पीछे था, एकदम से मुझे ना पीछे से खींचा गया, अंदर गया दरवाज़ा बंद और ईंटें जो है जितनी ईंटें पड़ी थी, आप अभी जाकर देख लें, मेरा ख्याल उसके बाद कैमरा अंदर गया ही नहीं है। नहीं, इसके बाद क्या, अगर आप अभी जाकर देखेंगे ईंटें सारी जो है बिखरी पड़ी होंगी, तो वो ऐसे ऐसे लग रही थी, एक कंधे पर लगी पीछे जाकर, सर के ऊपर लगी, तो बहुत मुश्किल जो है ना वो। हाँ शायद अगर मैं अकेला होता, कोई विजिट पर आया होता, तो फिर तो किस्मत ही थी। अंदर ही सारी रात जो है, जो पता नहीं सुबह भी कोई आता या ना। अगर ये चीज़ रिकॉर्ड हो गई हो यहाँ पर मैंने देखी है, उसके बाद फिर देखिए जैसे अंदर से आ रही हो, फिर पता चलता बाहर से आ रही हो आवाज़।
मैं एक बात करने लगा हूँ, पहले भी मैं करने लगा था, फिर मैं रुक गया। इनका शायद वो चीज़ सच्ची ना हो जाए कि ये मखलूक जैसे कैसे भी एक्टिविटीज़ कर रही है और सामने भी आ चुकी है, पर ये दूसरे लोकेशनों के जैसे नहीं हुआ। जैसे पत्थर जितने शहर भी पड़े हैं ना पीछे देखें, हाँ अक्सर हमें लोकेशनों पर जाते हैं तो पत्थर होना वो हमें आकर लगते हैं, तो उड़ रहे होते हैं। हाँ उड़ रहे होते हैं, तो ये बचत हो रही है। वही मैं कह रहा हूँ, कहीं मैं बोलूँ वो चीज़ सुन ले, चीज़ को काम कर ले और अंतर जो है वो पत्थर आना शुरू हो जाए। शुरुआत में असल भी आवाज़ें जरूर देख, ये बिल्कुल जैसे प्रोग्राम के स्टार्ट में हमारे साथ हुआ था ना कि चारों तरफ से जो है वो छोटे छोटे पत्थर और दरवाज़ों की आवाज़ें, फिर से कुछ वैसा ही हुआ है जैसे ही हम इस लोकेशन से थोड़ा बाहर गए हैं, थोड़ी देर रेस्ट की है। असल में मुझे कोई एक मखलूक नहीं लग रही, इधर तो है ही है उसका बसेरा, ठीक है, और रोने की भी आवाज़ें इधर से भी आई हैं, इस कमरे से भी आई हैं, और उस कमरे में हमें थप्पड़ पड़े हैं। वही मैं आपको कह रहा था, जब मुझे वो मखलूक ऊपर नज़र आई ना तो फौरन बाद यहाँ से एक्टिविटीज होना शुरू हो गई थी। इसका मतलब और भी यहाँ पर हैं, तो ऐसे आवाज़ें भी कुछ आई हैं, कुछ अंदर कोई सामान पड़ा है, इसके अलावा कोई जैसे कोई बच्चा होता है ना, कुछ उस किस्म की आवाज़ मुझे तो ऐसे लगा अंदर से आई है। आवाज़ अंदर से ही आई है, इसके साथ ही वो कमरा है जो लॉक किया गया है, अब अल्लाह आलम के उधर से आई आवाज़। खुला ये है ना रूम, तो फिर जो है ध्यान इधर ही अंदर कोई लोहे का सामान पड़ा है। जाली हैं आगे, कुछ नजर नहीं आ रहा। दिखाएं जी फिर अंदर से, सामने जैसे ना कोई चीज हो। पहली दफा ऐसी आवाज सुन रहा हूँ, कोई अजीब सी जबान में उसने बात की, जैसे कोई मेंटल नहीं होती मखलूक, अजीब हो गई सी बातें। अजीब सी आवाज है जैसे आप, मैं उस हिसाब से बात कर रहा हूँ, अक्सर हम लोग देखते हैं जो दिमाग हो, आपसे पता कैसे बात कर रहे हो, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, तो वह काफ़ी ख़तरनाक लग रही है। क्योंकि आप जब अंदर जाने लगे वो आया है कुछ, जी हाँ, कोई लोहे
लोगों का ही था। और इधर कमरे के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज तो है, मैं यहां से दिखा नहीं सकता क्योंकि आगे हैं या जा रही हैं, जा रही में कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे तो हम देख सकते हैं, ये देखें ना ये जालियां, कुछ नजर नहीं आ रहा। इधर कोई भी नहीं है, अगर मैं इसकी लाइट बंद करके दिखाऊं तो भी नजर नहीं आएगी। चलते हैं, देखिए अंदर आ रहे हैं, किसी भी किस्म का नुकसान मत पहुंचाइएगा। तो देखें ये तो अल्लाह माफ करे, ये तो लग रहा है तो वैसे ही बंदा खत्म है। ऐसे लगा जैसे कोई चीज होती है ना बिल्कुल काले रंग। इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। किधर? स्टोर के पीछे। अल्लाह अकबर। अभी आपने उधर देखा ना, मैंने इधर इस जगह देखी है, यहाँ पर इस जगह ना जैसे कोई काले रंग की कोई चीज होती है ना जो देखती है आपको और फिर पीछे हो जाती है, इस जगह यहाँ पर। और मैं इधर ही देख रहा हूँ, वो चीज निकले नहीं है, डोर के पीछे ही होगी, एकदम से झांकी है और डोर के पीछे नहीं है। बिल्कुल एक सेकंड होता है ना, एक सेकंड से भी कम, अभी मेरी नजर देखते कोई और पीछे हो जाता है। बिल्कुल ऐसे मुझे यहाँ पर लगा, आपको भी इधर लगा? मुझे ये सामने जो डोर ओपन है इसके पीछे कहीं वो चीज इधर से उधर तो नहीं चली गई? मैं नजर नहीं हटा रही, वो निकली नहीं है उधर ही। अगर यार ये तो उस चीज ने जैसे रास्ता रोक दिया हो कि भैया अब आगे ना आना, दरवाजा इतना खुला है और ये आगे जो है वो औजार आ गए, ये देखिए जैसे रास्ता रोक दिया हो कि इसके इसके अंदर ना आए। आपने सब उस दरवाजे के पीछे देखा है? मैं उधर ही देख रहा हूँ, तो कुछ ही दरवाजे से जो बाकी नहीं निकली। तो इसको पीछे लगाओ यार, देखिए अंदर आ रहे हैं, किसी भी किस्म का नुकसान मत पहुंचाइएगा। किसी ने कदर से पकड़ के मुझे पीछे, ये तो मैं आपके पीछे था, ये तो आप जाके पीछे दिखते हैं। ठीक है।
गले से पकड़ के आपको ऐसे पीछे करता है ना। है यार वो तो सुंदर ही है, दिमाग हिल गया पूरा। जैसे ही मैंने ये दहलीज क्रॉस की है ना, जब अपना गला पकड़ के आपको पीछे वो करते हैं ना, ऐसे मुझे महसूस हो था, यहाँ पर था मैं। और जैसे कोई चीज़ तेजी से आती है ना, गला पकड़ के जो है वो पीछे वो कर देती है, बिल्कुल ऐसे मुझे महसूस हुआ। ये तो कोई देखो दरवाजा जो है उसकी आवाज़ें आ रही है जैसे कोई इंसानी आवाज़ हो, कभी ऐसा लगता है जैसे कोई जानवर की आवाज़ हो, कि बकरी की आवाज़ें, बच्चों की आवाज़ें, अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई इंसान पागल नहीं होता और दिमाग घुमा हो, अजीबो गरीब सी आवाज़ें निकालता है। सर दर्द करना शुरू हो गया यार, सर दुखना शुरू हो गया। अच्छा जी, लोकेशन हमने क्लियर कर दी है, तो अभी हम बैठे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये देखते हैं कि यहाँ पर क्लियर करने के बाद भी कोई एक्टिविटीज़ होती है, अगर कोई हुई तो फिर जो है अपना काम शुरू कर देंगे दोबारा, अगर ना हुई तो फिर जो है मुमकिन है क्लियर होगी होगी लोकेशन। ज़रूरी नहीं होता कि हम क्लियर करें तो वो क्लियर ही हो जाती है, बहुत दफ़ा हुआ है कि हम क्लियर करते हैं तो दोबारा वो चीज़ें जो है कोई ना कोई गलती हो जाती है, तो इसलिए जो है एहतियातन हम बैठते हैं, देखते हैं 2-3 घंटे। फिलहाल अभी तो हमें तकरीबन 15-20 मिनट हो चुके हैं बैठे हुए, हमें फिलहाल तो कुछ नहीं हुआ। जी मज़ीद यहाँ पर टाइम स्पेंड करते हैं, सुबह होने में तो अभी टाइम है। हाँ जी, और कोई दोस्तों को कोई नेक्स्ट कोई बात करनी हो, क्या करना है क्या नहीं करना, जो आएगा नहीं आएगा तो नहीं, इंशाल्लाह जी आते रहेंगे। अब तो वो जो जिस रीज़न की वजह से नहीं आ रहे थे वो आप दोस्तों को बता दिया था, फिर रमज़ान मुबारक थे और जो एडवांस हमने किए हुए थे वो अपलोड कर दिए थे। पिछली दफ़ा तो मेरा ख्याल हम हर दफ़ा जो है ना एडवांस कर लेते हैं, इस दफ़ा थोड़ा सा हम जो है वो नहीं कर पाए, वो बीमार ही बीच में हो गए थे जी, तो इस वजह से जो है ना वो प्रॉपर जो है वो शूट नहीं कर पाए। और दूसरा, वीडियोस को शेयर और लाइक देखें, अगर हम कर भी सकते हैं, अगर शहर में देखा जाता जैसे तबीयत थी, अगर फिर भी हम अगर चाहते तो चलो जितनी भी मुश्किलात में हम थे फिर भी हम चले जाते करने, पर जब भी हम बैठते हैं ना हम यही डिसाइड करते हैं या कुछ बात हो रही हो शो के रिलेटेड तो हम यही कह रहे होते हैं कि यार देखें हम इतनी मेहनत करते हैं तो
मैं मेहनत की बात कर रहा हूँ, मैं कोई और चीज़ की नहीं कर रहा। तो मेहनत हम करते हैं तो जो दोस्त हैं वो वीडियोस को शेयर नहीं करते, ज़्यादातर जो है वो लाइक नहीं करते, और जो दोस्त करते हैं मैं उनकी नहीं बात कर रहा, क्योंकि जब भी हम लाइक और शेयर की बात करते हैं दोस्त कहना शुरू हो जाते हैं हम तो करते हैं यार, आप भी कहते हो, तो उनकी नहीं बात कर रहा, उनको तो कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो 10% दोस्त जो है वो शेयर करते होंगे। बिल्कुल, तो बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो बगैर सब्सक्राइब किए देख के चले जाते हैं, तो सब्सक्राइब भी करते हैं। दोस्त ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं कि शेयर करके वीडियोस को लाइक करके स्क्रीनशॉट लेकर ना हमें बकायदा सेंड भी करते हैं इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम पर शेयर की होती है उन्होंने अपनी जो है आईडीज के ऊपर, तो सर ये फिर जो है भाई आपकी हौसला अफजाई होती है, तो बंदा कहते हैं यार हाँ दोस्त जो है वेट कर रहे हैं, तो हम जैसे भी हैं जो जैसे जिस हालत में भी हैं शूट करें, यही होता है कि आप सपोर्ट कर दिया करें ताकि करते हैं जी, बाकी थोड़ी देर और इंतज़ार करते हैं, बाकी जैसे सुबह होती है फिर हम यहाँ से निकलते हैं, तो ठीक है जी फिर ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर आप दोस्तों से मिलते हैं किसी नेक्स्ट हॉरर लोकेशन पे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और दुआ में याद रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।